हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को आपके फोर क्लास के बच्चों के लिए मैं आज आपके हिंदी किताब से एक चैप्टर बता रहा हूँ। चैप्टर है शिष्टाचार, 9 चैप्टर शिष्टाचार। या शिष्टाचार क्या है तो आप सबसे पहले यहाँ जान लीजिए कि शिष्टाचार है क्या। तो शिष्टाचार शब्द दो शब्द के मेल से बनता है, एक शब्द है शिष्ट और दूसरा शब्द है आचार। शिष्ट का मतलब होता है अच्छा और आचार का मतलब होता है आचरण। दैट मीन्स कि अच्छा आचरण, शिष्ट आचरण, जिसको कि हम शिष्टाचार कहते हैं। तो यह शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार का मतलब होता है जो आपसे श्रेष्ठ हैं उनके प्रति आपके मन में, आपके विचार में, आपके कर्म में अनुशासन होना चाहिए, उनके प्रति आपके मन में इज्जत होनी चाहिए, और जो आपसे छोटे हैं उनके प्रति आपके दिल में प्रेम और दया का भाव होना चाहिए। यह है मूल रूप से शिष्टाचार का गुण। अब यह जो है शिष्टाचार आपके इस किताब में दिए हुआ है, यह एक पत्र के माध्यम से दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो बच्चे आजकल पत्र लिखना ही छोड़ दिए, पत्र लेखन। यह पत्र लेखन एक परंपरा थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया बच्चे पत्र लेखन की परंपरा से दूर होते चले गए। अब वह उसे किसी भी तरह की कोई बात करनी होती है, कोई मैसेज देना होता है, किसी के साथ कोई विवाद करना होता है, किसी से कोई अंतर्वेदना को प्रस्तुत करना होता है, व्यक्त करना होता है, तो वह अपने एक फ़ोन के द्वारा अपने मनोभाव को व्यक्त कर देता है। जबकि पुरानी परंपरा, पहले की परंपरा में क्या था कि इतना टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं हुआ था, तो लोग अपने विचार को, अपने भाव को पत्र के माध्यम से, और लोग इंतज़ार करते थे किसी के घर में पत्र के आने का, किसी के सूचना के आने का इंतज़ार करते थे। वह एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल हुआ करता था, क्योंकि प्रतीक्षा करनी पड़ती थी लोगों को। यहाँ अब उसके लिए, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, भाषा और संवाद यह कम होता चला गया। भाव की अभिव्यक्ति तो होती है, लेकिन अब सिर्फ अक्षरों में सिमट कर रह गया। भाषा अब उस तरह से पुष्ट नहीं हो पाई, भाषा का संवर्धन नहीं हो सका, और यह कारण है कि बच्चे आजकल उतने अच्छे से पत्र नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उन्हें भाषा तो उनके पास है नहीं। भाषा उनकी है बहुत छोटी, बहु विकल्पी भाषा है। हाँ में उत्तर दो, नौ में उत्तर दो, सही को सही करो, गलत को गलत करो, लिखने की परंपरा धीरे धीरे कम होती गई। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदी यह तो एक भाषा है, और जब तक इस भाषा को हम संपूर्ण रूप से व्याकरण के साथ नहीं जानेंगे, हम उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए पत्र लेखन बड़ा ही आवश्यक चीज़ है। आप अपने व्याकरण की किताब से पत्र लेखन के तरीके को आप थोड़ा थोड़ा समझिए। यहाँ मैं आपको बताता हूँ पत्र लेखन में कैसे क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में, जिस किसी को भी लिखना होता है उसको आप यहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं लिखना। तो जिस किसी को भी लिखना होता है उसके लिए आप यहाँ पर शीर्षक देते हैं। अब जैसे आपको बड़े भाई को लिखना है तो आप आदरणीय शब्द का उपयोग करते हैं, प्रिय शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े भाई हैं तो उसके लिए आदरणीय शब्द होना चाहिए। उसके बाद उसके साथ आपका उनको आदर सूचक शब्द प्रणाम भी होना चाहिए। अब इसके बाद आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा व्यक्त करना पड़ता है। तो जैसे लिखते हैं, मैं यहाँ सकुशल हूँ और ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। फिर अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा सा व्यक्त करें। उसमें दुख के अगर हालात हैं तो वह, अगर परदेश में कोई भाई रहता है तो उसको नहीं बोलना चाहिए पूरी तरह से बात को, स्पष्ट रूप से नहीं, हाँ सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए उसे बता देना चाहिए इस तरह से। उसके बाद जिस बात को आपको लिखना है उसको मध्य क्रम में लिख करके अंत में उसका उपसंहार करते हुए अपना नाम और एड्रेस यहाँ लिखना चाहिए। इस तरह से आप पत्र लिखन का प्रयास करें।